तो गाइस आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कैसे हम उस आदमी के पास आए उस किलर का नाम पूछने, और अब अंदर जाते हैं ट्रेलर देखने। तो इसका ट्रेलर स्टार्ट होता है। भैया क्या हाल है, यह कैसे आना हुआ? तनिक कुछ काम है तुमसे। हमका लग ही रहा था कि तुम जरूर आओगे, किंतु खबरी बाबू बिना पैसे लिए थूकता भी नहीं है। भैया पता तो होगा तुमको। हाँ पता है, तुम साला बिना पैसे के पानी तक नहीं देता। बताओ कितना पैसा खाओगे? वैसे तो भैया इस खबर के लिए मैं 15 पेटी से कम नहीं लेता हूँ, पर चलो तुम्हारे लिए सिर्फ 10 पेटी ले लेता हूँ। अबे वो न्यूज़पेपर की औलाद, हमारा बाप कोई टाटा अंबानी नहीं है, कहाँ से लाए इतना सारा पैसा? शहर जाकर कमाना पड़ेगा। हमका ना पता भैया, पहले यहाँ पैसे रखो, फिर बताएंगे उस ससुरे का पता। भाई ये ट्रेलर भी थोड़ा अच्छा था, पर ये यार हमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। अब मैं मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। पहला तो मेरे को इतना पता है हम बंदों को मार के रुपए आराम से कमा सकते हैं, जो कि हमें 4-4 हजार रुपए देते हैं। मैं कोशिश करूंगा बंदों को मार के रुपए लेने की। पहले तो हम गाड़ी में जाते हैं अपनी। भाई यार हमें 10 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, फिर इसको देने हैं। तो मैं देखता हूँ कोई टैक्सी वगैरह इधर, क्योंकि तो वही चलाना पड़ेगा। और भाई इन ट्रक का मुझे बहुत अच्छा काम लगा ये। उससे पहले मैं देख लेता हूँ गन्स कितने रुपए की है अपने। यार इधर तो बाइक भी खड़ी है बढ़िया। यार बस सेंसिटिविटी का डर था इसमें मेरे को। अरे मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। अब हुआ है, मैं देख लेता हूँ गन्स कैसी कैसी, और मेरे बजट में है, और मेरे पास 0 रुपये। या फिर डेजर्ट ईगल है, शॉर्ट गन है, AK-47 है, M5-16 है, स्कार है, रॉकेट है, ग्रेनेड है। भाई इनकी कीमत तो देखो, तो मेरे पास 0 रुपये। कैसे करे, छोड़ो रुपए कमा के पहले गन्स खरीदते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मदद दे सकती है कि कैसे हम बंदों को मार सकते हैं। उससे पहले यार इस बाइक की राइड करनी है मेरे को। थूक ले पहले तू भाई। बाइक तो भी अच्छी लगी मेरे को राइड के लिए। चलो बाइक तो थोड़ी अच्छी है, पर मैं रुक जाता हूँ इधर और ये ट्रक लेने की कोशिश करता हूँ, बट ये हमारे हाथ नहीं आएगा। यार इसको थूकने थे पहले।